थाना बारादरी के अंतर्गत 16 जुलाई को एक पिता के द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसकी 20 वर्षीय लड़की काम करने के लिए रुद्रपुर उत्तराखंड गई थी और वहाँ वो पहुँची नहीं है, वो गायब है। इस आधार पर पुलिस के द्वारा इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उसके बाद छानबीन की जा रही थी कि जो वादी है उसकी लड़की कहाँ चली गई। पुलिस के द्वारा इसमें जब धीरे धीरे छानबीन की गई और सर्विलांस की मदद ली गई तो पता चला कि एक युवक उसको अपने साथ ले गया था जिसकी उससे जान पहचान थी और वो युवक उसको बदायूं उसी दिन लेके चला गया था। बदायूं पहुंचने पर उसी का एक जो घनिष्ठ मित्र था सत्येंद्र नाम का और उसके नौकर के द्वारा और उसकी पत्नी और बेटे के द्वारा उस लड़की को वहाँ मार दिया गया। मारने का जो कारण था वो ये था कि जो इसका प्रेमी था उसने सत्येंद्र नाम के युवक से ये बात तय कर दी थी कि जो लड़की है उसकी शादी वो उसके लड़के से करा देगा जिसकी कि जो पत्नी थी वो पूर्व में मर चुकी है। तो शादी कराने का जो प्रस्ताव जब ये लड़की के सामने रखा गया तो लड़की के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया और लड़की के द्वारा वहाँ पर चिल्लाने और इस तरह के बचने बचाने की बात की जाने लगी तो इनके द्वारा डर के मारे उस लड़की का वहाँ पर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई और वो जो लाश है उसको वहाँ जो नदी बहती है अरिल नदी उसी के किनारे उसको दफन कर दिया गया और सारे जो साक्ष्य हैं उसको मिटाने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक राजवीर है जिसका प्रेमी था जो इसको पहला फुसलाकर ले गया था। दूसरा है इसमें सत्येंद्र नाम का है जिसकी जो अपनी लड़के अजीत से अपनी इस लड़की की शादी कराना चाहता था। एक गोवर्धन है जो इसका नौकर है जो साथ में वहाँ पे खेती की देखभाल और रखवाली करता है और इसकी जो लड़का है अजीत और पत्नी है इंग्लिश। तो ये सब 5 लोग हैं इस पूरी घटनाक्रम में शामिल हैं। इनमें से 3 को अभी गिरफ्तार किया गया, बाकी 2 को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जो पूर्व का जो प्रकरण है उसमें 302 और 201 IPC की जो धाराएं उनकी वृद्धि की गई है और इसमें विधिक कार्रवाई अभी प्रचलित है। फोन करके बुलाया था। पहली बार तो फोन से कांटेक्ट हुआ था। अरे गलत नंबर लग गया था मेरे पर। बेटिंग इन सारे इन्होंने